प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट। चार युवकों को थाने लाया गया था, एक युवक तबियत खराब हुई थी, तो उसको हालांकि सभी को चारों युवकों को लगभग 15 मिनट बाद में वापस वहाँ फ्री कर दिया था, लेकिन बाद में जानकारी मिली कि उसे एक युवक की तबियत थोड़ी सी ज़्यादा हुई और उसको शायद हॉस्पिटल ले गए, बाद में उसका अटैक हो गई। तो इसकी अभी जाँच होनी बाकी है, अभी सभी समाज वालों से बातचीत की गई, तो जानकारी के अनुसार ये कह रहे हैं कि पास श्रमिक कार्ड है और बीपीएल कार्ड भी है, श्रमिक कार्ड में जो तुरंत सहायता मिलती है 2 लाख रुपए की, तो वो आवेदन करने पर जल्दी से जल्दी उसको बिल्कुल करवाएंगे। किस तरह की सहायता? 1 लाख रुपए केस देते हैं, 1 लाख रुपए उसमें FD पे दें, और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री सहायता के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा जाएगा, कल लिखा जाएगा, तो उसमें भी जो भी मैक्सिमम सहायता होगी वो देंगे। इसके अलावा जो BPL को जितने भी मिलने वाले बेनिफिट्स हैं, जैसे आपका मुख्यमंत्री आवास योजना में या खाद्य सुरक्षा में या गंभीर बीमारी होने पर जो सहायता होती है वो, और श्रमिक कार्ड के जो भी फायदे हैं, जो जैसे मकान के लिए सब्सिडी का पैसा है, या उनके लिए बच्चियाँ अगर हैं तो उनके लिए शादी के लिए पैसा, उनके लिए स्कॉलरशिप, पालनहार योजना, सभी प्रकार से उनको लाभान्वित कर देंगे। लापरवाही ऐसा है कि उनके साथ मारपीट तो नहीं हुई है, ये तो ये मान रहे हैं कि उनके साथ मारपीट तो नहीं हुई है, कुल मिलाकर के 15 मिनट तक रहे हैं। तो अभी ये क्या है कि 2-3 बातें यहाँ हमने सामने कही है। एक बात तो प्रमुख बात ये थी कि हम जो इसका PM है वो एक बोर्ड से कराएंगे, इनके बंदे भी इस बात से सहमत हुए हैं। दूसरी ये कह रहे हैं कि मतलब पुलिस जांच की बजाय प्रशासनिक जाँच होनी चाहिए, तो इस रूप से प्रशासनिक जाँच एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से इसकी जाँच कराएंगे, और इस जांच में अगर पाया गया अगर पुलिस की कोई लापरवाही सामने आई तो जिससे उसके खिलाफ समाज की मांग। मामला ये है कि कल पुलिस ने कोई संदेह के आधार पे बगीचे से 4 आदमियों को पिक किया था और थोड़ी देर बाद उनको छोड़ भी दिया। उस दरमियान एक हमारे समाज की व्यक्ति के छोड़ने के बाद डेथ हो गई, क्या रीजन रहा वो तो PMRC क्लियर होगा, उसको लेकर डेलीगेशन SP साहब से मिला है और हमने तो मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम की मांग करी है, एक न्यायिक जाँच की मांग करी है, और मृतक के परिवार को जो भी आर्थिक सहायता सरकारी माध्यम से मिल सकती है, जो भी हेल्प मिल सकती है, उसके बारे में बात करी है। SP साहब ने पॉजिटिव आश्वासन दिया है, तीनों मांगों पर हमारे सहानुभूति विचार कर रहे हैं और निश्चित रूप से कोई ना कोई इसका भी शांतिपूर्वक हल निकल जाएगा। प्रयास। प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड